Hi guys, welcome back. So, बाजीराव सिंघम की इतनी सारी तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लग रहा है मैं पूरी की पूरी सिंघम अगेन ट्विटर पे ही देख लूंगी। इतने सारे फोटोज आ जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल लीक्स का जमाना है, लेकिन भाई एक चीज तो तय है कि अजय देवगन की ऐसे वाले लुक में जब कोई फोटो आती है ना, उसके बाद ये लगता है कि भाई मतलब दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। क्योंकि इस साल में चाहे हम शैतान ले लें, चाहे हम मैदान ले लें, या फिर सिंघम का एग्जाम्पल ले लें, बीच में एक और फिल्म आएगी औरों में कहा दम था, वो भी आएगी, लेकिन भाई जितना क्रेज सिंघम का है ना, मुझे नहीं लगता है कि और किसी फिल्म का ऑफ अजय देवगन रहा होगा। क्योंकि एक तो एज दैट फ्रेंचाइज वो ही अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसका अब ये जो नेक्स्ट लेवल आएगा, इट इज लोडेड विद स्टार कास्ट, इट इज लोडेड विद एक्शन। और एक तो मैंने वीडियो देखा था रोहित शेट्टी का, जिसमें वो रोहित शेट्टी है एंड ऑफकोर्स अजय देवगन है और जैकी श्रॉफ है, इनका कोई ना कोई एक सीन चल रहा है, एक्शन सीन, और उसको पूरा शूट किया जाने वाला जो सीक्वेंस है, जो कैमरा लेकर शूट कर रहे रोहित शेट्टी, वो पूरा का पूरा वायरल होकर के आ गया था सोशल मीडिया पे। तो भाई आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पर एक रोक लगनी चाहिए ऑफ द लीक्स। इतनी ज्यादा लीक्स मैंने देखी है, इस फिल्म की ही देखी है सबसे ज्यादा, और वो ना कहीं ऐसा लगता है देखकर कि यार मतलब या तो ये स्ट्रेटेजी है कि इतने सारे लीक्स लोगों को दिखाओ, ऐसे ऐसे लुक दिखाओ, ऐसी ऐसी चीजें दिखाओ कि लोग पागल हो जाएं देख के और फिल्म देखने के लिए आए, और या फिर ये कोई लापरवाही का नतीजा है कि वहां पे कोई तो है ऐसा सेट पे जो हर वक्त कैमरा लेके बैठा रहता है और वो फिर उसके बाद देख के उसको आगे मीडिया हाउसेस में डालता है, मीडिया हाउसेस को पूरा का पूरा पब्लिक कर देते हैं। आई थिंक वो चीज जो है उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और फिर होता क्या है पता है, इवेंचुअली क्या होता है, हम अगर एक स्क्रीन में भी वो लीक वाला फोटो लगाते हैं तो हमारे पास स्ट्राइक आ जाती है। ये हुआ है मेरे साथ, बाय द वे ये मेरे साथ हुआ है कुछ दिन पहले जब रामायण की लीक आई थी, वो तो पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। AIFLEX ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, माइंड यू इट्स नॉट अ क्लेम, स्ट्राइक दे दिया था कि मैंने कुछ यूज किया है उनका DNEG का टीजर यूज किया है, जो कहीं से नहीं था। मैं कुछ भी एक्सटर्नल फाइल डालती ही नहीं उसने अपने वीडियोज में, वो इधर बैकग्राउंड में एक फोटो थी ऑफ रणबीर कपूर। तो अब ये देख के लगता है कि यार जब इतना ज्यादा एक चीज हर एक चीज के ऊपर यू नो शिकंजा कसा जा रहा है कि यूट्यूबर्स का बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है उसको ही स्ट्राइक भेज दी, तो भाई फिर ये जो लीक्स हो रहे हैं ऑलरेडी सिंघम के, इनके ऊपर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पूरी फिल्म ही लग रहा है मैंने देख लिया सिंघम अगेन ऑन ट्विटर। सो वो चीज है, लेकिन एक बात तो गारंटीड है कि इससे ना सोशल मीडिया पे हवा बनी रहती है ऑफ सिंघम अगेन। अभी न्यूज क्या थी, ये थी पहले कि भाई ये फिल्म आएगी 15 अगस्त को विद क्लैश विद पुष्पा, उसके बाद न्यूज आई कि नहीं ये पोस्टपोन हो रही है, अगले साल तक के लिए पोस्टपोन हो रही है। अब वो डेट्स क्या आने वाली है अभी उस पर भी कोई क्लैरिटी है, क्या वो 100% तरीके से हो चुका है या नहीं, वो मुझे लगता है जल्दी ही आएगा। बिकॉज ये जो फोटो आई है अब की बार, इसके साथ में टाइटल भी आया है स्केड्यूल रैप का, स्केड्यूल पूरा हो चुका है ऑफ सिंघम अगेन, एंड दैट मीन्स कि हो सकता है फिर रिलीज को लेकर जो प्लानिंग हो या डेट्स हो या जो कुछ भी सोचा हो वो मेकर्स जल्दी से जल्दी अनाउंस करें। देखो एक तो ये फिल्म ना इतनी ज्यादा लोडेड है, इसमें इतने स्टार्स हैं जिसमें रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, दीपिका है तो है ही, वो तो पता है, एंड कुछ और भी मुझे लगता है फीमेल कास्ट में और भी कई ऐसे होंगे जो मेरे दिमाग से स्लिप करें, बहुत ही लंबी फहरिस्त है ऑफ द यू नो स्टार्स। तो मुझे लगता है तो वो आना चाहिए, प्लस साथ साथ में लोगों का जिस तरीके से अब इंटरेस्ट जनरेट हो गया ना सिंघम को लेके, उसको फिजल आउट मत होने दो भाई। फिर या तो ऐसे लीक्स डाल रहे हो अगर, फिर डेट भी 100% वाली डालो। बट हाँ, जो रोहित शेट्टी करते हैं ना, वो अपनी फिल्मों में हर बार एक या हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगी टाइप का जरूर करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें या इससे पहले भी हमने जो फिल्में देखी उनमें गाड़ियों का उड़ना या अतरंगी टाइप का एक्शन, कलर्स बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल यू विल फील दैट यू आर इन अ ड्रीम, इस तरीके के कलरफुल यू नो फ्रेम्स बनाना, वो ये करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अभी जो होगा सिंघम में भी वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, लुकिंग एट दैट वो जो जिस तरीके से वो कैमरा लेके इधर उधर उसको शूट कर रहे थे, वो देख के लग रहा था भाई ये अपने आप में एक वर्कआउट लग रहा है मुझे, इतना भारी कैमरा लेके उसको ऐसे 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 पूरा मूव अराउंड करना, या एक्शन सीक्वेंस, देन एडिटिंग पार्ट, ऑल ऑफ दैट, इट विल बी मैसिव। मतलब कहने का मतलब ये है सिंघम विल बी मैसिव, एंड ये साल मैं बोलती हूँ अजय देवगन का साल है, अगर इस साल में कहीं ना कहीं ये फिल्म आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो अगले साल तो भाई ये शुरुआत में ही ना धमाका करके मानेगी जिस तरीके से इसका क्रेज चल रहा है। पीपल आर रियली रियली वेटिंग फॉर दिस मूवी। और अब यार प्लीज ये होना चाहिए, इनफ ऑफ द लुक्स दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, हमने देख लिया यार अगर सिंघम में, हमको ये तो पता ही है कि अजय देवगन कैसे दिख रहे होंगे, कॉप यूनिवर्स है तो उसमें कौन कौन होगा क्या होगा, लेकिन फिर वो बार बार जब दिखता ना तो एक कहीं ये लगता है यार फिर क्या मजा रहेगा, अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा कि ये इसमें मैं यू नो दिखने में कैसे लग रहे होंगे, कितने फिट लग रहे होंगे अजय देवगन, वो सब चीजें हमने पहले ही देख लिया सोशल मीडिया पे। सो दिस हैज टू स्टॉप, दिस शुड स्टॉप।
तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है, एंड आई होप कि इस वाले वीडियो में मुझे कोई भी इस तरीके का अनयूजुअल टाइप का स्ट्राइक वगैरह ना आए, क्योंकि ये डोमेन में पिक्चर्स आ चुकी हैं और वी वॉन्ट दैट अब सिंघम का असली जो धमाका है वो रिलीज डेट का वो जल्दी आना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है वो इसी तरीके से इस फिल्म को लेकर के एक्साइटेड रहे। आपको क्या कुछ कहना है इस पे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल स्टोर फाइन।